आए थे, मीटर लग गया तो कहें कितने दिन हो गए, तो कहीं रसीद है, कहीं हाँ साहेब रसीद है, तो रसीद ला के उन्हें दिखाया तो बोले अरे आपको तो बिल 60-70 हज़ार हो गया, आप हमने 20 हज़ार रुपये आपने हमको दे दे तो आपको हम ठीक करा दें, और जब से मीटर ला गए तब से आपके 100 हो जाए। तो उन्हें चेयरमैन के मध्यम उनसे बताए तो कहें हाँ वो तो हमारे पर्चा है, उनसे उन्हें भोला यादव को उन्हें 15,000 रुपये दिए। अब साल भर से दौड़ते दौड़ते काम नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें हत्या कर दी। देखिए बात तो सही है, किसान बेचारा खेती करके किसानी करके अपना जीवन यापन करता है। जो सूचना आई है मेरे इस आर्थिक सहायता के मामले में, अगर बात कर रहे हैं आप, मेरे एसडीएम सिरातू से बात हुई है, उन्होंने कहा जो भी संभव आर्थिक मदद हो सकेगी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके बाद डीएम साहब से भी बात हुई है, जैसा कि अभी संजय भाई बता रहे थे FIR हो चुकी है, मैं भी रात में आया हूँ, और जो भी संभव मदद होगी आर्थिक मदद तो दी जाएगी। साथ साथ जिस कारण इन्होंने आत्महत्या की, चाहे वो कर्मचारी रहे हों, चाहे अधिकारी रहे हों, चाहे एसी रहे हों, संबंधित जितने भी लोग इस प्रकरण से जुड़े होंगे उनके खिलाफ सरकार से मिलकर बातचीत करके ऊर्जा मंत्री से बात करके और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके हर हाल में मदद के साथ साथ जितने भी लोग इस प्रकरण में इन्वॉल्व रहेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने की मांग की जाएगी। जलील वही भ्रष्ट अधिकारी आज अधीक्षण अभियंता के रूप में यहाँ तैनात है, और उसी के संरक्षण में चूंकि जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है, नीचे सारे अधिकारी चाहे जेई हो चाहे एसडीओ हो चाहे एक्सीएन हो सब उसके अंडर में काम करते हैं, दिशा निर्देश सब उसका होता है। कई बार मैंने उनसे शिकायत किया कि देखिए निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत है, बिल को लोग बढ़ा के भेजते हैं, बिल सही कराने के नाम पे तमाम दलाल आपके सक्रिय है जो लोगों से पैसा वसूलते हैं और उसके बाद बिल नहीं ठीक होता। और देखिए आज ये नमूना सामने आ गया, मैं इसके लिए सरकार से मांग करूंगा, यहाँ का जो अधीक्षण अभियंता है जिसके संरक्षण में इस तरीके का यहाँ पे कौशाम्बी जनपद में अपराध हुआ है, जिसके चलते एक किसान ने आज आत्महत्या कर लिया है, उसको न्याय मिले, और जो दोषी लोग हैं जो सुसाइड नोट है उसका परीक्षण कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। मैंने जानकारी प्राप्त किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग करना ही आया है, आत्महत्या ही आई है, और सुसाइड नोट में भी आत्महत्या की जो लिखी है, जो धोखा देने वाले का नाम लिखा है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में ले आता हूँ, इस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिलाने का मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, और जो भी कानूनी कार्रवाई विभाग के खिलाफ बनती है इस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगा। क्या सर प्रशासनिक अधिकारियों का फेलियर नहीं है, डीएम भी है, सामान्य प्रशासन उन्हीं के पास है, अगर इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी हैं तो क्या उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? किसान ने आत्महत्या, मैं कल खुद डीएम के पास गया था, एसपी को भी बुलाया था, FIR नहीं लिखी गई थी, कल मैंने बैठ कर FIR लिखवाई है, और डीएम की भी जिम्मेदारी है, निश्चित तौर से उन्हीं के अंडर में पूरा जिला चलता है। डीएम साहब ने हमको ये आश्वस्त किया है कि इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट वो बना के शासन को भेज रहे हैं, उनकी बात प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार जी से हो चुकी है, आलोक कुमार जी ने पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी है, वो भी अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, हम भी अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं, इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। शासन के मंशा के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, अगर ये दोषी पाए गए तो बर्खास्तगी भी इनकी होगी।